स्वागत है आपका और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, एडीएस एक्सचेंज में अभी केवाईसी करना पड़ रहा है। केवाईसी करने के लिए दोस्तों हमको एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, हमारी फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करना रहता है। और वहां पर भी दोस्तों 100 KB का फ़ोटो हमको अपलोड करना रहता है। हम कैमरे से अगर फ़ोटो खींचते हैं तो वो 1 MB या फिर ज़्यादा होता है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, 100 KB का फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप लोग, हमको एक फ़ोटो आधार कार्ड के साथ ऐसे खींचना है। दोस्तों, हम जब कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी जो साइज़ होती है वो 1 MB या फिर 1 MB से ज़्यादा होती है दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है कि मैक्स साइज़ 100 KB चाहिए, और जो आधार कार्ड की फ़ोटो है फ्रंट 100 KB का चाहिए, और जो बैक का होता है वो भी 100 KB का चाहिए। तो हम हमारे जो फ़ोटो हम कैमरे से खींचते हैं वो उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, तो हम इसको 100 KB कैसे बना सकते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मैं आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है इमेज साइज़ रिड्यूसर डाउन को सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ नीचे ये लोगो देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ इसका नाम देख लो, फोटो पिक्चर एंड रिसाइज़र। इसको आपको सिंपली ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले से इसको डाउनलोड कर लिया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। और एक बार नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, या कुछ इसे अपग्रेड के बारे में बता रहे दोस्तों, आपको ऊपर लेफ्ट साइड में कंटिन्यू विद एड पे क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट फोटो, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको एक फ़ोटो, आपकी जो आधार कार्ड की फ़ोटो, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऐड देगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद आपको आपकी जो फ़ोटो आधार कार्ड की, उस फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद हमारी जो फ़ोटो है वो आ जाएगी। यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल बताएगा इसको, आपको ये रिसाइज़ का बताएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इसकी साइज़ का बताएगा। मैं आपको इस पहले जो मेरे आधार कार्ड है इसकी जो साइज़ है दोस्तों वो बता देता हूँ। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, इसकी जो साइज़ है वो 1.7 MB है दोस्तों। तो हमको इसको सिर्फ 100 KB में करना है। हमने जो फ़ोटो खींची है उसको हम थोड़ा सा इसको क्रॉप करना है दोस्तों। तो आप नीचे देख सकते हो, क्रॉप का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पर क्रॉप करना है। और आपको अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना, जितना आधार कार्ड है दोस्तों उसके बॉर्डर को सेट करना है। उसके बाद नीचे देख सकते हो, क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इसकी साइज़ में और इंक्रीज़ हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है दोस्तों, बीच वाला ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे रीसाइज़ का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर परसेंटेज का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पर वेट और हाइट का ऑप्शन दे रखा है। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल साइज़ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सारे जो साइज़ है उसके, हम देख रहे हैं 100 KB, 500 KB, 1 MB और 2 MB। तो दोस्तों, आपको 100 MB का करना है तो आप सिर्फ 100 KB को सिलेक्ट कर लेना है। 100 KB को जैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एड चालू हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको स्किप कर देना है। इसको स्किप करना है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो आपकी जो फ़ोटो की जो साइज़ है दोस्तों वो सिर्फ 100 KB हो जाएगी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो। और इसको सिंपली आपको सेव करना है। सेव करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली शेयर पे क्लिक कर देना है, बस ओनली शेयर पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप बाहर आ जाना दोस्तों, अब आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक सेव हो गई दोस्तों। ऐसे ही से आपके आधार कार्ड की फ्रंट और बैक फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हो, और आपकी जो आधार कार्ड के साथ जो फ़ोटो है दोस्तों उसको भी क्रॉप कर सकते हो, चाहे वैसे आप उसको क्रॉप कर लेना। उसके बाद आपको एडीएस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने जो फ़ोटो क्रॉप करी है दोस्तों, उस फोटो को आपको यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना और अपलोड कर लेना दोस्तों। बस सिंपल से तरीका है दोस्तों, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी फ़ोटो की साइज़ को कम कर सकते हो और एडीएस एक्सचेंज में अपडेट कर सकते हो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।